बैठे हैं जो उनके साथ हमेशा रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए खुशकिस्मत हूँ कि मैं रोड पे हूँ। मैं 5-6 साल की उम्र से हम लोग जिया अमरीत के खिलाफ में अपने वालिद के साथ और फिर फरुक और फिर अपने फरुक तारिक सब लोग होते थे। इनके बारे में समझती नहीं हूँ कि ये सियासतदान नहीं है, ये एक दानिश्वर है और वो जो पाकिस्तान की जो पोलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर एक अथॉरिटी है। वो टर्की तो अपनी जगह पर रह गया, क्योंकि मैंने बड़ा कम देखा है कि आपका इंटेलेक्चुअलिज्म और आपका एक्टिविज्म इसका कॉम्बिनेशन होता है, वो होता ही नहीं है। कई लोग बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन वो रोड पॉलिटिक्स को नहीं, स्ट्रीट पॉलिटिक्स को नहीं जानते, और कई लोग स्ट्रीट को जानते हैं लेकिन वो रोड उनको इंटेलेक्चुअलिज्म। मुझे एक्सपीरियंस हुआ पिछले साल, मतलब मैं अभी इनको कल बहुत याद कर रही थी कि पिछले साल स्टूडेंट मार्च हुआ और उसमें हमारे बच्चे जो थे, एक बड़ी इनकी स्ट्रगल है उन लोगों को इकट्ठा करने में भी, मूवमेंट बनाने में, आपको पता है पाबंदी है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब वो उनका कॉन्वॉय हम लोग चले, प्रोटेस्ट हमारा शुरू, डेमोन्स्ट्रेशन थी एक वो शुरू हुई, तो जब हमारा प्रोसेशन जा रहा था तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो बैक गेट था उसके बाहर खड़े हो गए, क्योंकि बाहर अंदर कुछ लोगों को वो बाहर नहीं आने दे रहे थे। तो वो फिर कॉमरेड थे जिनको मैंने देखा, बच्चे स्कूल से बैठे ट्रक में भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई गेट खुल जाए, डायलॉग कर रहे हैं। मैंने कहा आज के बच्चे हैं वो उतने मुजामती नहीं है जैसे हम लोगों ने इनसे मुजामत सीखी हुई है, तो फिर आपको पता है कि जिस तरह की मुजामत होती है तो हमारे तो ब्लड में हो गई शायद इन लोगों की वजह से भी। तो मैंने देखा कि वो बच्चे उनसे डायलॉग कर रहे हैं तो ये भागे भागे आए हैं, पीछे फारूक थे, इन्होंने कहा आज वो यार देख ये गेट पे चढ़ने लगे हैं। मैं कहा वाह वाह, ये वो मुजामत है जो अमरीतों के खिलाफ होती है, ये इनके खून के अंदर है। तो ये जो चीजें सीखते हैं, अभी मैं आज सुबह कोई बात हो रही थी, मैंने कहा यार मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को, छोटी मोटी अचीवमेंट्स भी होती हैं लाइफ में, लेकिन ये जो मुझे ऑनर फील होता है कि मैं रोड पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा देखा हुआ करीब से, मूवमेंट्स का हिस्सा रही, लॉयर मूवमेंट को करीब से देखा इनके साथ, मतलब जो भी आज तक फरूक भी चलाते रहे, जो तरीके जो ये हमें गाइड करते रहे, जिस तरह ये करते रहे, तो वो मैं समझती मेरे जिंदगी में एसेट ही वो है, क्यों वो जो चीज़ है वो मुझे मतलब हर वक्त एक और एक अंदर से अर्ज होती है। मैं बड़ी स्ट्रेंथन फील करती हूँ कि अभी लाइफ के अंदर मायूसी नहीं है और हम लोगों ने बस आगे चलते जाना है। और कभी होता है ना आप देखते हैं कि आज इतना करप्ट सिस्टम है, क्या हो रहा है, काजी साहब से बड़ा कोई वकील उधर है नहीं, लेकिन हम जिस तरह विक्टिमाइज फील करते हैं कभी कभी, तो उसमें फिर ये इंकरेजमेंट होती है कि नहीं यार अभी तो लड़ना है। और आखिरी बात ये है कि इतने बड़े मुजामती हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जा सकते, क्योंकि तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये है कि ये वाकई मुजामत करना जानते हैं। और उसकी वजह ये कि मैं खुद के जो बड़े गलत काम कर देती थी कि मूवमेंट्स के अंदर भी, और कि हम लोग जज्बाती हो जाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद इनके बड़े फैन हैं, वो यही कहते हैं कि आप उनसे सीखा करें कि किस तरह आपने स्ट्रगल को भी जारी रखना है और आपने खत्म भी नहीं होना, ताकि खत्म ना हो जाएंगे तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। मैं जो खत्म होने में भी यकीन रखती थी, लेकिन मैंने इन लोगों से जीना सीखा और मैं आखिरी दिन तक मेरी कमिटमेंट है इन लोगों से मेरे बड़े हैं कि मैं आखिरी दिन तक हमने मुजामत करनी है और मुजामत करते ही खत्म हो रहा है वैसे नहीं।